Hello students, in today's lecture we are going to see the third part of our current chapter, that is nutrition in plants. In this chapter we are discussing about various modes of nutrition that is present in plants, how plants obtain their nutrition. Some are autotrophic, that is they are making their own food. Some are parasitic means what? They might be depend on other plants, host plant, to obtain their food, or might prepare their own food but depend on other plants to obtain water and other minerals. They are nothing but the partial parasitic plants, etc. Also the process of photosynthesis, all the things we have discussed in the previous lecture. Today we are going to see saprophytes. It is again a new a different mode of nutrition in the plant. Saprophytes, what are the saprophytes? The organisms which obtain their nutrition from decaying organic matter. ऑर्गेनिक मैटर जो ऑलरेडी डीके हो रहा है, ऐसे ऑर्गेनिक मैटर से जो न्यूट्रिशन अपना खुद का ऑब्टेन करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स। इसका एग्जांपल क्या है? देखो मोनोट्रोपा इज द एग्जांपल ऑफ सैप्रोफाइट्स, और इट इज ऑल्सो नोन एज सैप्रोफिटिक प्लांट। ऑल्सो फंगी क्या होता है? देखो डैम्प लीदर, अगर आपके पास कोई लीदर की बैग है आपके घर में, या फिर आपके लीदर के शूज है, अगर वो डैम्प है बहुत दिनों तक वो गीले रहते हैं, वो वेट रहते हैं, और अगर आप उसको टाइम पे ड्राई नहीं करते हो, अगर वो फॉर टू थ्री और मोर देन टू थ्री डेज के लिए वो वेट ही रहता है लीदर का कोई भी मटेरियल, तो उस पर देखो व्हाइट कलर की लेयर आ जाती है उसके ऊपर। तो वो व्हाइट कलर की लेयर क्या होती है? दैट इज नथिंग बट द फंगी, फंगस। सी फंगस, इट इज सिंगुलर और फंगस का प्लूरल है फंगी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू फंगी। सो फंगी, और फिर ब्रेड, जो आपके घर में स्टेल फूड होता है, यानी कि दो तीन दिन का बचा हुआ खाना, उसके ऊपर भी एक वाइट रोटी जो आपके घर में बची हुई होती है, दो दिन की अगर रोटी है और वो एयर पैक कंटेनर में है, यानी कि कोई डिब्बे में जहाँ पे एयर नहीं जा सकती, ऐसे डिब्बे में अगर वो दो दिन के लिए रोटी है तो उसके ऊपर वाइट लेयर आ जाती है ऐसे पाउडर के जैसे वाइट, तो वो क्या होती है? दैट इज नथिंग बट द फंगी। फंगी इज ऑल्सो सैप्रोफिटिक प्लांट। So fungi are saprophytes, they are not plants, they grow on various kinds of material. You will find fungi on a damp piece of leather, overripen food, stale bread, pickles. Mushroom are a type of fungi, or fungi, iska example to ho gaya, aur ek example humne dekha, fungi, monotropa as well as fungi are the examples of saprophytes, but fungi ka aur ek example na hum dekhte hain, mushroom. सो मशरूम क्या होता है? देखो मानसून सीजन में एक बड़े से ट्री के नीचे, ट्री का जो स्टेम होता है, ट्रंक होता है, ट्रंक के साइड में ऐसे छोटे छोटे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स ग्रो करते हैं। देखो ऐसे कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर ग्रो करता है, जिसे हम रीजनल लैंग्वेज में कुत्ते का छाता वगैरह भी बोलते हैं छोटे बच्चे उसको, व्हाइट कलर में जो होता है या फिर ब्राउन कलर में, दिस इज नथिंग बट द मशरूम। तो ये जो मशरूम है इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फंगी। नाउ फंगी इज यूजफुल फॉर प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन के लिए फंगी कैसे यूजफुल है हम देखेंगे। द फंगी लिविंग इन द सॉइल फीड ऑन डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर एंड इन द प्रोसेस रिलीज यूजफुल सब्सटेंसेस इन द सॉइल। फंगी क्या करते हैं? फंगी इज अ सैप्रोफिटिक प्लांट। ओके, सो फंगी विल ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकेइंग मैटर विच इज ब्यूरिड इन द सॉइल। सॉइल में जो ब्यूरिड है प्लांट के रिमेन्स है या फिर एनिमल, डेड एनिमल के रिमेन्स है, तो उसमें से न्यूट्रिशन वो ऑब्टेन करेंगे, और जो प्रोसेस से वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं डिकेइंग मैटर से, वो प्रोसेस में वो कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस जो है वो सॉइल में रिलीज करते रहते हैं। और ये जो सब्सटेंसेस है यूजफुल सब्सटेंसेस, मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और ये क्या है? प्लांट्स के ग्रोथ के लिए इसेंशियल होते हैं, फिर यही एज अ फूड प्लांट्स यूज करते हैं, या फिर फूड प्रिपेयर करने के लिए यही सब्सटेंसेस प्लांट्स यूज करते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर, रूट्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब देम अलोंग विद द वाटर। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं विच रिलीज बाय फंगी, फंगी अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते वक्त वो प्रोसेस में जो भी सब्सटेंसेस सॉइल में रिलीज करते हैं, वो सब्सटेंसेस जो है वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, मतलब कि इजीली वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, एंड अलोंग विद द वाटर रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब इट। रूट्स ऑफ प्लांट के रूट्स क्या करते हैं? जब सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके साथ ये जो सब्सटेंसेस है ये भी एब्जॉर्ब करते हैं, एंड दीज सब्सटेंसेस विल बी हेल्पफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द प्लांट्स। फिर वो प्लांट्स की फूड प्रिपरेशन में वो सब उसको इसेंशियल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सैप्रोफाइट्स।
Now we will see lichens. What are the lichens? Lichen is the association of three members, that is alga, fungus, photosynthesis. Alga, this is also singular, इसका plural होता है algae. Algae, fungus, photosynthesis, ये तीनों का association, ये तीनों को combine करके क्या बनता है lichens. So lichens are most amazing forms of life. Lichen is composed of two or even possibly three distinct organisms. देखो ये तीन अलग अलग organisms से ये तीन अलग अलग organisms के association से जो बनता है वो होता है lichen. So one of a kind fungus, the other usually an alga or algae. Fungus होता है एक, फिर alga या फिर algae present होता है, and one is photosynthesis bacterium. ये तीनों के association से बनता है lichen. Alga, देखो lichens में जो food preparation की process होती है, alga, algae contains little amount of chlorophyll. इसमें कुछ chlorophyll present होता है. So preparation of food is alga's department. Alga का department है food prepare करना. तो ये lichens में food कौन provide करेगा? Alga या फिर algae. Fungus, fungus का क्या role होता है? Fungus will provide water and minerals. Soil से fungi, जैसे हमने देखा कि soil से, soil में जो भी minerals है, water है, ये provide कौन करेगा? Fungus. Fungus क्या करेगा? Decaying material से वो obtain करेगा और उसके process में जो वो release करेगा substances that are rich in water and mineral. तो ये fungus provide करेगा. Also, फिर और उनको lichens के लिए और food preparation के लिए जो extra chlorophyll लगेगा वो कौन provide करेगा? Photosynthesis bacteria या फिर photosynthesizing जो bacteria होते हैं, ये photosynthesis की process ये carry out करते हैं. So this kind of relationship between two or more organisms where all of them mutually benefit are known as symbiosis. तो ये symbiosis एक new term आपको मिल गई, that is symbiosis. What is symbiosis? Now you will see a kind of relationship between two or more organisms where all of them are mutually benefit. मतलब कि जहाँ पे सबको कुछ ना कुछ सबका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, तीनों कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तीनों कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे हैं और तीनों को कुछ ना कुछ बेनिफिट भी हो रहा है, फायदा भी हो रहा है. तो ऐसा जो एसोसिएशन या फिर ऐसा जो रिलेशनशिप है जिसमें टू और मोर ऑर्गेनिजम्स ऑल ऑफ देम आर म्यूचुअली बेनिफिट, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज सिम्बायोसिस. इट इज सिम्बायोसिस. सो हियर द एंड ऑफ योर चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट. इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. In the next chapter, we will discuss about the nutrition, modes of nutrition in animals. So here, let's stop here. I hope कि ये जो पूरा chapter था ये आपको अच्छे से समझ में आया है. Thank you so much for attending my lecture. We'll meet you soon. Thank you.